हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट क्यों किया है, बट मैं आपको बता दूं कि मेरे घर पे काम स्टार्ट होने वाला है और वो काम होने वाला है POP का। तो एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं, 2-3 दिन में ही डिसाइड हुआ POP करने का, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने उनसे बात वगैरह की और फिर स्टार्ट किया काम आज से। तो इसीलिए सबसे पहले तो उन्होंने मटेरियल डाल दिया साइट पे लाके, तो यही चल रहा था बस। वो मटेरियल निकाल रहे थे, वो मटेरियल ला के रख दे रहे थे। एक्चुअली मेरे घर पे इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही है अभी कि आपको क्या बताऊँ। सारी जगह धूल धूल धूल, मिट्टी, बस यही हो रहा है। तो इसीलिए ना ये काम चल रहा है, मैं आपको बाद में दिखा भी दूंगी कि कैसे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और उन्होंने बहुत फास्ट कर रहा है, एक्चुअली हमें दिवाली से पहले चाहिए था, इसी वजह से वो बहुत फास्ट कर रहा है। हमारे उनसे बात भी हुई कि हमें दिवाली से पहले पहले सब कुछ रेडी करके चाहिए, तो पूरे घर की POP हो रही है। तो मैं आपको जैसे जैसे होते जाएगा वैसे वैसे दिखाते जाऊंगी कि कैसे कैसे कर रहे हैं। बट ना इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है यार, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और आप लोगों को पता होगा कि कोई काम चलता है घर पे तो कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, तो बस यही हो रहा है। वैसे उन्होंने मटेरियल तो ला के दे दिया है और काम भी आज से स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली अभी बज रहे हैं 4:15 और मैं जा रही हूँ, 4:15 नहीं सॉरी 5:15 बज रहे हैं, और मैं श्रद्धा के घर जा रही हूँ। एक्चुअली उसका बर्थडे है आज और मेरे घर पे रिनोवेशन चल रहा है, तो वो मैं आपको उधर से आने के बाद दिखाऊंगी कि अभी तक वो कर ही रहा है ऊपर, और ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है। एक्चुअली ऊपर से स्टार्ट किया है, ऊपर से अगर वो करके लाते हैं तो नीचे का सामान हम लोग ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, हम लोग ऊपर फिर शिफ्ट हो जाएंगे, वो नीचे का करेंगे। तो ऐसे करके उन्होंने ऊपर से स्टार्ट किया है। एक्चुअली जो लेबर है वो लोग जब चले जाएंगे तब मैं आपको ऊपर का सारा कुछ दिखाऊंगी, बट अभी जा रही हूँ श्रद्धा के घर। एक्चुअली ना श्रद्धा के इन-लॉज भी आने वाले हैं आज शाम को, और यहाँ पर है हमारे गणपति बाप्पा। तो चलिए अभी जाती हूँ, वहाँ पर जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी। चलो एक्चुअली मैं यहाँ पर हेल्प करने आई थी, बट सारे काम हो गए थे, श्रद्धा ने सारे काम कर लिए थे जो भी थे। बस इडली और सांभर भी बना लिया था उसने, सिर्फ इडली ही बनाना बाकी था, इडली बन रही थी, कुछ बन भी गई थी और कुछ बन रही थी, तो बस उसी में मैंने थोड़ी सी हेल्प की उनकी। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ चल रही थी यहाँ पर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि उसके इन-लॉज भी आने वाले हैं, तो इसीलिए ये थोड़ी सी भाग दौड़ चल रही थी यहाँ पर। एक्चुअली मैंने आपको बताया या नहीं बताया पता नहीं, बट आज बता देती हूँ कि श्रद्धा का जो ससुराल है वो भी हमारे सिटी में ही है, तो इसीलिए यहाँ पर ना कोई भी एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, वो एक साथ मिलके करते हैं। क्योंकि ना श्रद्धा शादी के बाद तो अक्षय जी के साथ चली जाएगी आउट ऑफ इंडिया, फिर उसका आना जाना बहुत कम हो गया यहाँ पर, जैसे कि साल भर में एक बार कभी आ गए तो आ गए, तो ऐसे ही होगा। इसीलिए फिर जो भी अभी सेलिब्रेशन हो रहा है, जैसे कि बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, तो वो एक साथ मिलके इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनको साथ में आने का मौका मिले। और साथ में आते हैं थोड़ा सा एक दूसरे को जान लेते हैं तो बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाती है। वैसे श्रद्धा के ससुराल वाले बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अक्षय जी भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, नेचर वाइज तो सब भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उसके घर में। वैसे अक्षय जी यहाँ पर आए थे तो श्रद्धा को देखने आए थे, बट फिर उसके बाद तो सारा कुछ बंद ही हो गया कोरोना की वजह से, फ्लाइट भी बंद हो गई और फिर कोरोना की वजह से ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन भी हो गया, तो इसीलिए फिर यहाँ पर ही रुक गए वो। और अभी जाने वाले हैं, मतलब पता नहीं अभी कब जाने वाले हैं, फ्लाइट जब शुरू हो जाएगी तब वो जाएंगे और फिर उसके बाद फिर डायरेक्ट शादी के टाइम पे ही आएंगे। तो शादी जो है वो जनवरी की निकाली है, जनवरी में है, फर्स्ट वीक में, तो आपको डेट तो मैं उस टाइम बताऊंगी ही। और उसके बाद तो फिर शादी का माहौल होगा घर में, बैक टू बैक फिर अच्छे अच्छे व्लॉग भी आप लोगों को दे मिल जाएंगे, संगीत, हल्दी और बाकी के फंक्शन के सारे व्लॉग आपको उस टाइम देखने के लिए मिल जाएंगे। वैसे थोड़ी थोड़ी शॉपिंग भी उन्होंने स्टार्ट कर ही दी है और चली रही है, उसकी भी शॉपिंग चली रही है और आंटी अंकल की भी शॉपिंग चली रही है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि शादी का घर होता है तो शादी के घर में जब तक शादी होती नहीं है तब तक तो शॉपिंग चलती ही रहती है, तो बस यही हो रहा है यहाँ पे। और हाँ, आपसे बातें करते करते मेरे सारे काम भी हो गए, मतलब सारे काम क्या, कुछ भी बचा नहीं था करने के लिए, सिर्फ ये इडली लगानी बाकी थी।
बस उसी में मैंने थोड़ी सी हेल्प की उनकी, और बस यहाँ पर इडली वगैरह लगा दी है। और हाँ, अक्षय जी ने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था उसके बर्थडे पे, मतलब रात को 12 बजे केक कट किया था ना, तो उसमें बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया था। तो आप यहाँ पर डेकोरेशन देख लीजिए, बहुत सुंदर डेकोरेशन था। यहाँ पर ना उन्होंने सिर्फ ये क्लिप, मतलब थोड़ी सी ये मोबाइल से क्लिप ली है, तो वो मुझे दी है उसने, और मतलब इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट मैं आपको बता दूँ, इतना सुंदर डेकोरेशन किया था ना कि मैं तो देखते ही रह गई पहले, इतना सुंदर डेकोरेशन था। पूरे उसके रूम में उन्होंने सारे बलून्स ही बलून्स लगा दिए थे, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी, इतने सारे बलून्स थे। आगे आप देख लीजिए कि किस तरह से उन्होंने उसकी रूम डेकोरेट की थी। और बस उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइज, कैसा लगा आपको डेकोरेशन एंड सेलिब्रेशन उसके बर्थडे का? ये अगले दिन का था, मतलब 12 बजे का अगले दिन, और ये जो है वो बर्थडे के दिन का है। तो एक्चुअली बस यहाँ पर प्लेट से निकाल रहे हैं हम लोग, बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो रही है क्योंकि उसको इन लॉज वगैरह आ गए हैं। आगे मैं आपको सबसे मिलाऊंगी, बट यहाँ पर सिर्फ वही चल रही है, प्लेट्स वगैरह निकालने की तैयारी। और सांभर देखिए कितना सारा बना था, और सब कुछ मतलब जैसे हम लोगों ने सारा पेट भर के ही खाया था, और बहुत टेस्टी बना था सब कुछ। इस बार श्रद्धा ने सांभर बनाया था, तो मुझे श्रद्धा के हाथों की टेस्ट भी पता चल गई कि कैसे। एक्चुअली श्रद्धा पहले कुछ भी नहीं बनाती थी, कुछ भी नहीं काम करती थी, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिलता था यार। मतलब यहाँ पर आती थी तो 2-4 दिन के लिए आती थी, पूना में रहती थी जॉब करने के लिए, तो यहाँ पर 2-4 दिन के लिए आती थी, तो फिर ऐसे ही घूमने फिरने में ही टाइम चला जाता था, तो इसीलिए फिर इतना तो टाइम नहीं मिलता था। और पहले कॉलेज 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 में ही टाइम चला जाता था, इसीलिए उसको घर के कामों के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। और वैसे भी शादी से पहले कौन करता है यार घर के काम ज़्यादा, बट अभी वो सीख रही है। और यहाँ पर वो अक्षय जी के लिए इडली फ्राई बना रही थी, तो वही उसकी भागदौड़ चल रही थी क्योंकि सारा कुछ हो गया था, अक्षय जी का ही रेडी नहीं हुआ था। उनको ना प्लेन इडली पसंद नहीं है, इसी वजह से वो इडली फ्राई बना रही थी उनके लिए। जब तक हम लोग ये सब रेडी करते हैं, तब तक आप एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट का रिव्यू देख लीजिए, आपके लिए बहुत काम आएगा। हे गाइस, आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा और यूज़फुल प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ, वो है मामाअर्थ का प्लांट बेस्ड मल्टीपर्पज़ क्लिंजर फॉर बेबीज़। और आप सभी को पता है मैं अपने बच्चों के लिए मामाअर्थ के ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, और मुझे मामाअर्थ के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इसका रीज़न ये है कि मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री होते हैं और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, इसी वजह से इनके प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि मामाअर्थ ये एक इंडियन ब्रांड है, और अभी की सिचुएशन ऐसी है कि हमें इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, वोकल फॉर लोकल। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट की, तो ये जो प्रोडक्ट है वो मल्टीपर्पज़ क्लींजर है, इसे आप यूज़ कर सकते हो बच्चों की बॉटल क्लीन करने के लिए, टॉयज़ क्लीन करने के लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्लीन करने के लिए। इसमें आपको 500 ml क्वांटिटी मिल जाती है, नेचुरल फार्मूला है, डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स है इसमें, है नो ब्लीच, नो SLS, SLES, नो फॉस्फेट, नो फोम बूस्टर्स। इसे आप 0+ मंथ्स बच्चों के फीडिंग बॉटल, टॉयज़, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड डिशेस क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हो।
अब इसे यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको अगर कोई फ्रूट्स वगैरह क्लीन करने हैं तो आपको क्या करना है, एक बोल में पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा क्लिंजर ऐड करना है। ये क्लिंजर ऐड करने के बाद आपको घोल लेना है उसे, और उसके बाद आपको कोई फ्रूट्स वगैरह उसमें डाल देना है। थोड़ी देर के लिए इसे रखना है इसमें, और बस इसमें वॉश कर लेना है, और उसके बाद आपको इसे फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल हो या कोई आप टॉयज क्लीन कर रहे हो या कुछ भी डिश वगैरह क्लीन कर रहे हो तो इसी तरह से आप क्लीन कर लीजिए उसे। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें से निकाल के सिर्फ नल के पानी के नीचे आपको इसे रखना है 5 to 10 seconds के लिए। 5 to 10 seconds आप इसे वॉश कर लीजिए नल के पानी से, सिंपल पानी से। उसके बाद आप इसे बच्चों को खाने के लिए दे सकते हो। इसी तरह से आपको सारी चीज़ें क्लीन करनी है, जैसे कि बच्चों के टॉयज़, बॉटल, वेजिटेबल्स और उनके खाने की प्लेट्स वगैरह। और इसका प्राइस है 499 rupees। अगर आपको इसे परचेस करना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दिया है, आप वहां से इसे परचेस कर सकते हो। और अगर मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो Kanchan20 तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी मिल जाएगा मामाअर्थ की वेबसाइट पे इस प्रोडक्ट पे। और हाँ, ये जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है मामाअर्थ की वेबसाइट पे, अमेज़ॉन पे एंड फर्स्ट क्राई पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलिएगा Kanchan20, उससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा इस प्रोडक्ट पे मामाअर्थ की वेबसाइट। अब आ गई थी ऑक्शन करने की बारी, तो बस यहाँ पर ऑक्शन चल रहा है और उसके बाद केक कट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आंटी ऑक्शन कर रही है उसका, और अद्विक का देखो सबसे पहले जाके मासी के पास बैठ गया उसके, क्योंकि उसका तो आपको पता ही है कैसे होता है, जब भी ऐसा कुछ बर्थडे का डेकोरेशन देखता है या केक देखता है तो उसको लगता है कि उसका खुद का ही बर्थडे है और उसको खुद को केक कट करना है, तो इसीलिए उसके मासी के पास जाके बैठ गया था। और जब तक उसने केक कट नहीं किया और जब तक वो वहाँ से नहीं उठी, मतलब सारा कुछ होने तक वो उसके पास ही बैठा रहा। और हाँ, ये है अक्षय जी की मम्मी यानी कि श्रद्धा की सासू माँ। एक्चुअली आगे आगे मैं आपको सबसे मिलवाऊँगी, जैसे जैसे जो जो आएंगे आगे आगे सबसे मिलवाऊँगी। सभी ने उसको ऑक्शन किया था तो इसीलिए आप सभी से मिल लीजिए बाद में। और यहाँ पर एक एक करके सब ऑक्शन कर रहे थे उसका, तो सभी ने यहाँ पर, ये जो है उसके ससुर जी है, अभी उसके ससुर जी ऑक्शन करेंगे उसका। और सभी ने उसको प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए थे, सभी ने उसका बर्थडे बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया। और ये जो फ़ोटोज़ निकाल रही है उसकी मासी की बेटी है, वो जो साइड में है उसकी सासू माँ के पीछे, वो भी उसकी मासी की बेटी है। मासी भी यहाँ पर ही रहती है हमारे सिटी में उसके, तो वो भी आते जाते रहते हैं यहाँ पे, कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो वो शामिल होते हैं सेलिब्रेशन में। और ये पूरी उसकी ससुराल की फैमिली है। और अक्षय जी से तो आप मिल ही चुके हो, पिछली बार मैंने शायद अंकल के बर्थडे पर अक्षय जी से मिलवाया था आपको। एक्चुअली गाइज आ गई हूँ मैं घर पे, और हाँ मैं आपको यहाँ का जो POP है, मतलब पूरा नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा ही हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे
इस लाइन में ये थोड़ा सा बना है, मतलब सिर्फ पाइप वाइप लगा के रख दिया इन लोगों ने, और यहाँ पर भी ये इस तरह से बना है। पूरा बनने के बाद आपको दिखा दूंगी कि कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है कैसे कैसे बना रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी फटी हुई चादर थी, वो दे दी थी मैंने उनको ढक के रखने के लिए, तो बोर्ड रख के रखा है उन्होंने। बाकी तो यहाँ पर ये बेड है, तो ये बेड का गद्दा और बेडशीट उधर निकाल के रखी है, इधर भी ये जो बेडशीट है वो बिछाई थी उन्होंने, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो चलिए फिर इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे दो और चैनल है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।